तो काफी वक्त बीत गया है, बॉस का मूड अब तक ठीक हो ही गया होगा। तक छुट्टी की बात की भी नहीं और अंजलि का फोन आ गया। हाँ अंजलि बोलो। तारक आपने छुट्टी ली कि नहीं? अंजलि अब तक छुट्टी की बात नहीं हो पाई है, बॉस का मूड ठीक नहीं। तारक आपको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। देखिए मैंने कल के लिए बहुत प्लानिंग की है, आप प्लीज मेरा दिल मत तोड़िए। अंजलि कोशिश कर रहा हूँ ना, पर तुम प्रेशर क्यों डाल रहे हो? आपको प्रेशर लेना पड़ेगा तभी छुट्टी मिलेगी। ठीक मैं अभी शेर की गुफा, मेरा मतलब है कि बॉस के कैबिन में जाता हूँ, तब तक तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे छुट्टी मिल जाए। मिल जाएगी, ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनिए, अगर आपको छुट्टी मिली तो कल से एक महीने तक आपका पसंदीदा खाना, नहीं तो कल से करेले और लौकी का डाइट शुरू। अरे नहीं नहीं, मैं छुट्टी लेकर आता हूँ, बाय। फटाफट जाके बॉस से परमिशन ले लेता हूँ। नहीं पहले पता कर लेता हूँ कि बॉस का मूड कैसा है। बोलिए सर। बॉस का मूड कैसा है? अरे सर यहाँ देखिए, काशीराम यहाँ है। बॉस का मूड कैसा है? क्या सर, मैं यहाँ चाय कॉफी देने के लिए हूँ या बॉस के मूड का अपडेट देने के लिए? यार बताओ ना प्लीज। क्यों सर, छुट्टी चाहिए। सर तुमसे जितना पूछा होता ना उतना ही जवाब दिया करो। वैसे तो सर बॉस का मूड अच्छा है, लेकिन आपको तो पता है अपने बॉस दो सर वाले हैं, कब गुस्सा हो जाए कह नहीं सकते। ठीक है जाओ। और कुछ? अरे नहीं भाई जाओ ना। ठीक है सर। बागा को फोन करके बोल देता हूँ कि बॉस के कैबिन में जा रहा हूँ, तुरंत मुझे कॉल करें। एक मिनट। हाँ बोलिए। बागा मैं बॉस के कैबिन में जा रहा हूँ, दो मिनट बाद मुझे वकील बनके फोन करना, समझ गए? बाय। क्या कर रहा है तू? कस्टमर को खड़ा रख के फोन पे बात कर रहा है? सॉरी सेठ जी, वो जरा अर्जेंट कॉल था इसलिए उठाना पड़ा। किसका? बावरी का? नहीं नहीं। तो वो मेरे पड़ोसी का फोन था, वो क्या है आज गांव से मेरा एक पार्सल आने वाला था, तो मैं बोल के आया था कि पार्सल आए तो जरा ले लेना, तो बस वही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था कि पार्सल ले लिया है। जा जल्दी, वो कस्टमर अकेला पड़ गया, जा जल्दी जा। जी जी सेठ जी। हे भगवान अब क्या करूं, वहाँ मेहता साहब अपने बॉस के पास जाएंगे और मैं फोन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मेहता साहब। अरे बोलो ना क्यों आए हो, कुछ काम था क्या? नहीं सर कुछ नहीं। तो फिर क्या कॉन्फ्रेंस रूम में खाली घूमने के लिए आए हो? नहीं मैं तो बस आपसे ये पूछने आया था कि How are you feeling, sir? Feeling? अरे मैं ऑफिस में हूँ या हॉस्पिटल में हूँ? आपका फोन क्यों नहीं कर रहा है? अरे बताओ ना क्यों आए हो, कुछ काम था क्या? नहीं सर, दरअसल मैं आपको ये बोलने आया था कि आपने कहा ना कि हमारी कंपनी को इस महीने लॉस हुआ है, तो बस हम लोग डबल मेहनत करके आपको डबल प्रॉफिट कमा के देंगे। गुड 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 गुड, यही बोलने आए ना। वेरी गुड। और कुछ? ये बागा फोन क्यों नहीं कर रहा है? ये लीजिए सर, डिलीवरी कल शाम तक हो जाएगी। थैंक यू फॉर विजिटिंग गेडा इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर से पधारिएगा। ओके। सेठ जी आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं भाई नहीं। नहीं तो मैं चाय पी के आऊं? वो पता नहीं थोड़ा सर दर्द हो रहा है। मतलब चाय पिएगा तो एडिसिटी हो जाएगी भाई, सर दर्द और बढ़ जाएगा। तो क्या पीने जाऊं? सर दर्द की गोली पी? नहीं नहीं सेठ जी,
दवाई तो हो सके उतना मैं अवॉइड ही करता हूँ। अच्छा तो क्या पिएगा तू? चाय पीने दीजिए ना। हाँ तो पी भाई पी। जी। और कुछ नहीं बॉस, मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। रह तो नहीं गया? देखो भाई, आदमी दुनिया में खाली हाथ आया, तुम भी यहाँ पर खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारा था क्या था यहाँ से लेकर जाओगे? जाओ निकलो, काम करो। ओके सर। ओके या ओके 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 जाओ काम करो। अरे जल्दी फोन करो बाघा। ओके सर। हाँ निकलो एक काम करो, इसको बाहर तक छोड़ के आओ। जाओ जाओ। हेलो। हाँ मेहता साहब, सॉरी सॉरी, वो कस्टमर था इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर सका। और सेठ जी के सामने फोन करना तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा कब? ओ नो। हाँ और अभी चाय का बहाना बनाकर दुकान से बाहर आया हूँ और चाय की टपरी वाले के यहाँ से आपको फोन कर रहा हूँ। लेकिन एडवोकेट साहब, कल तो मैं कोर्ट किसी भी हालत में नहीं आ पाऊंगा। चालू रखिए नाटक, चालू रखिए मेहता साहब, छुट्टी मिलना कन्फर्म है। आप समझने की कोशिश कीजिए एडवोकेट साहब, कल मैं नहीं आ पाऊंगा। जमीन 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 का बहाना निकालिए, बोलिए आज से जमीन चली जाएगी। जमीन जाती है तो जाए। चलिए मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। एक मिनट बैठो इधर आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, एडवोकेट साहब का फोन था। वो कह रहे थे कि कल मुझे पूना आना पड़ेगा कोर्ट में हाजिरी देने। क्या? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन्हें मना कर दिया। पर मैं समझा नहीं, पूना जाना पड़ेगा पर कोर्ट में क्यों जाना पड़ेगा? कोर्ट में काहे की हाजिरी है भाई? वो हमारे पूर्वजों की जमीन का मैटर है सर, अगर मैं कोर्ट में नहीं गया तो जमीन हाथ से चली जाएगी सर। कितने की जमीन है? जमीन कीमती नहीं है, उनकी यादें हैं, उनका आशीर्वाद है। और पूना आने जाने में तो पूरा दिन लग जाएगा सर, इसलिए मैंने एडवोकेट साहब को मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जाऊंगा सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं जाओगे? अरे जमीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम पूना नहीं जाओगे तो तुम्हारा जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। क्या कर सकते हैं बॉस, नहीं होगी जमीन नसीब में, कोई बात नहीं जाने दीजिए। अरे ऐसा मत सोचो मैटे, कल तुम पूना जाओगे और मेरी गाड़ी में जाओगे, मेरा ड्राइवर तुमको लेके जाएगा। क्या? हाँ देखो, गाड़ी मेरी, ड्राइवर मेरा, पेट्रोल मेरा, ठीक है? क्या हुआ? अरे भाई गाड़ी दे रहा हूँ, पेट्रोल दे रहा हूँ, इतना शौक क्यों होगा तुम? कुछ नहीं सर, आप कभी किसी को छुट्टी नहीं देते, आप मुझे अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, अपना पेट्रोल दे रहे, तो आई कुड नॉट डाइजेस्ट इट सर। क्या है मैटे, बेसिकली मैं अच्छा आदमी हूँ और मुझे पता है कि बेसिकली तू भी अच्छा आदमी है और बेसिकली तुम भी अच्छे हो। डोंट, तू कभी झूठ नहीं बोलता मेरे से, आई नो इट, एंड यू आर my फेवरेट। ओके जा जा, लेके जाओ मेरा गाड़ी, ड्राइवर सब लेके जाओ। नहीं नहीं सर, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता, आपका गाड़ी और ड्राइवर नहीं लेके जाऊंगा सर। तो ठीक है भाई, मत लेके जाओ गाड़ी, ड्राइवर मत लेके जाओ, लेकिन पूना जरूर जाओ, ठीक है? पूना जाके आओ। थैंक यू सर। अभी मैं निकलूं? निकलूं मतलब अभी निकल रहे हो पूना के लिए? नहीं नहीं सर, अब तो मैं कैबिन जाऊंगा, आपसे कहा ना डबल मेहनत करके कंपनी को डबल प्रॉफिट कमा के दूंगा। ओके निकलो निकलो निकलो, क्या बात है, तुम्हारा फोन लेके जाओ। देखो ही इज निकलिंग। यस यस, मिल गई छुट्टी। एक काम करता हूँ, बागा को फोन करके ना खुशखबरी दे देता हूँ। फिर से पधारिएगा। सरदार, तेरे सर में सर दर्द हो रहा था ना? सेठ जी,
सरदर्द तो सर में ही होता है ना। हाँ, पर सरदर्द की वजह से तू चाय पीने गया था ना, तो चाय पीने से कम हुआ सरदर्द? कम क्या, गायब ही हो गया। सरदर्द गायब हो गया? ले बोलो कमाल है, चाय पीने से सरदर्द गायब? तो मुझे लगता है दवाई की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये सरदर्द की गोली बनाना बंद करके जगह जगह चाय की टपरियां खोल देनी चाहिए। सिद्ध जी, मैं एक मिनट में आया। हाँ, कहाँ जाना है? चाय पीने। और अभी तो चाय पी के आया तू? हाँ, वो अभी इतना सारा चाय का डिस्कशन हुआ ना, तो फिर से चाय पीने का मन हो गया। किसका फोन है? फोन किसका आ रहा है? बावरी का? नहीं नहीं, बावरी जी का फोन नहीं है। दिखा। सेठ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ बावरी जी का फोन नहीं है, फिर भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। बावरी का फोन नहीं है तो किसका फोन है? परम मित्र का। मेहता साहब का? अरे नटू काका, मेहता साहब मुझे क्यों फोन करेंगे? मेहता साहब सिर्फ सेठ जी के परम मित्र है, पूरे संसार के परम मित्र नहीं है। ये मेरे परम मित्र का फोन है। तेरे पास भी परम मित्र है? कौन? धनियो? वो मुंबई है? हाँ। दिखा। सेठ जी, इतने सालों से मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। लाखों का सामान डिलीवरी करने जाता हूँ, कितना सारा पेमेंट लेके आता हूँ। दिवाली में, नवरात्रि में, गणेशोत्सव में हमारा बिजनेस बढ़े इसलिए आपको कितनी स्कीमें देता हूँ, फिर भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए चेक बस। नहीं नहीं ठीक है, जा पी के आ चाय। जी। अच्छा सुन, नटू काका चाय पियेंगे? ऑफ कोर्स। हम दोनों के लिए भी चाय बोल देना। जी। सेठ जी, कभी कभी शब्द इंसान को तलवार से भी ज्यादा जख्म देते हैं। पर मैंने कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है नटू काका, मैंने तो सिर्फ उससे दो बार फोन मांगा के ला फोन देखा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब करनी कथनी से ज्यादा ताकतवर होती है। हाश, बच गया। अगर सेठ जी को पता चल जाता कि मेहता साहब का फोन है तो बहुत सवाल करते, और अगर उन्हें ये पता चल जाता कि मैंने मेहता साहब को छुट्टी का आइडिया दिया है तो मेरी परमानेंट छुट्टी कर देते। हाँ मेहता साहब, क्या हुआ? आपने फोन क्यों किया? आपको पता है मैं अभी फंस जाता। क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुआ? हाँ, वो सेठ जी को लगा कि बावरी जी का फोन है तो वो मेरा फोन चेक करने के लिए मांग रहे थे। सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बताइए क्या हुआ? खुशखबरी देने के लिए फोन किया कि मुझे छुट्टी मिल गई। अरे वाह, थैंक यू फॉर द फोन कॉल एंड थैंक यू फॉर द आइडिया। अरे मोस्ट वेलकम मेहता साहब। वैसे आपने ये खुशखबरी अंजलि भाभी को दी के नहीं? बाघा, अंजलि को घर पे जाके सरप्राइज दूंगा और बताऊंगा कि कल छुट्टी मिल गई। ओ अच्छा अच्छा, वंस अगेन थैंक यू। चलो मैं फोन रखता हूँ। ठीक है मेहता साहब, और हाँ आपका प्रॉमिस याद रखना। कौन सा प्रॉमिस? ये देखिए मेहता साहब, ये चीटिंग है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये आइडिया मैंने आपको दिया है वो आप सेठ जी को नहीं बताएंगे। अच्छा वो प्रॉमिस, वो तो मैं भूल ही गया। अरे बागा, मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, ये हमारे बीच की बात है, हमारे बीच ही रहेगी। मैं इस बारे में जेठालाल को कभी नहीं बताऊंगा। क्या है ना मेहता साहब, आप और सेठ जी परम मित्र हैं, सुबह शाम मिलते रहते हैं, तो क्या है कभी अगर आपके मुँह से गलती से भी निकल गया तो सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे नहीं 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 बागा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कभी नहीं बताऊंगा।
थैंक यू मेहता साहब। चलो मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। ये लीजिए आपकी तीन चाय। तीन चाय? आज तू भी हमारे साथ चाय पीने वाला है क्या? बागा भाई तीसरी चाय आपने मेरे लिए बोली? अरे नहीं नहीं मेरे लिए है। अरे कितनी चाय पी रहा है तू आज बागा? नहीं नहीं ये तो आप दोनों को कंपनी देने के लिए, आप दोनों अकेले अकेले चाय पियो अच्छा नहीं लगता है ना? चस्टियो थे गी आज एक नंबर नो। ला भाई ला। हाँ ला ला भाई ला ला। ले भाई। थैंक यू सेठ जी। ले हाँ ले। चीयर्स सेठ जी। हाँ हाँ चीयर्स चीयर्स। चीयर्स फॉर द छुट्टी। छुट्टी? छुट्टी? छुट्टी नहीं। जुग्गी। जुग्गी। जुग्गी? ये जग्गू को मैं प्यार से जुग्गी बुलाता हूँ क्योंकि क्या है वो बहुत बढ़िया चाय बनाता है ना इसलिए जुग्गी। तो चीयर्स फॉर जुग्गी। जुग्गी चीयर्स। वाह ये जुगीड़ी मस्त चाय बनाता है। नटू काका क्या हुआ क्या हुआ? नटू काका आपने ये कवर अभी तक सेठ जी को दिया नहीं? कौन सा कवर? सेठ जी ये कवर 7 दिन पहले ही दुकान में आ गया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। 7 दिन पहले? नट्टू काका इतना काम का कवर आप देना कैसे भूल गए? वो क्या हुआ बाघा ने जब मुझे कवर दिया ना तो मैंने इतना संभाल के रखा कि 2 फाइल के बीच में दब गया। किसका कवर है? कंपनी का। अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। एक बार इसके डीलरशिप पाने के लिए कितनी कोशिश की थी। नटू काका सेठ जी डांटना बाद में पहले लेटर तो पढ़ लीजिए। हाँ ये लीजिए सेठ जी। अरे बाप रे क्या हुआ क्या लिखा है? क्या पता। तो आपने अरे बाप रे क्यों बोला? अरे इंग्लिश में है। ओ अच्छा लेट मी रीड। टू जेठालाल चंपकलाल गड़ा ऑनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्जेक्ट मीटिंग अपॉइंटमेंट विद गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। कंपनी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर इंटरेस्टेड टू मीट यू टू डिस्कस ऑफरिंग यू द डीलरशिप ऑफ आवर होम अप्लायंस प्रोडक्ट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग दिस अपॉर्चुनिटी विथ यू। We are pleased to inform you that the meeting has been scheduled on Seth ji company Gada Electronics ko dealership dene ke liye Gada Electronics ke malik yani aapke sath meeting karna chahti hai. Are wah Nattu kaka are are ye to hai to bahut badhiya baat hai. Ha ha Seth ji ha bahut khushi ki baat hai. तो क्या लिखा है उसमें लेटर में? कब मिलना चाहते हैं मीटिंग के लिए? कल। कल? हाँ उन्होंने पूछा है कि कल सुबह 11:30 बजे वो मीटिंग के लिए आ सकते हैं। चलो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी भगवान का नाम लेकर कल मीटिंग कर डालिए। अरे क्या मीटिंग कर डाली है? जिस कंपनी का नाम इंग्लिश में है लेटर इंग्लिश में लिखा है तो जाहिर सी बात है वो लोग मीटिंग में इंग्लिश में करना चाहेंगे ना। That is obvious, Seth ji. Meeting तो English में ही करेंगे। Mixer grinder है? आइए आइए मैडम इस तरफ आइए। कल मीटिंग इंग्लिश में कैसे करूंगा मैं? एक कम हो सकता है, अगर मेहता साहब मेरे साथ मीटिंग में रहे तो जरूर हो सकती है मीटिंग। मेहता साहब को बोलता हूँ
कल मेरे लिए कुछ भी करके छुट्टी ले ले। इसे कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। बड़ी मुश्किल से मशक्कत करके मैंने एक छुट्टी हासिल की और मुझे लगा कि मैं अंजलि को खुश कर लूंगा, लेकिन नहीं, जेठालाल मुझे दुखी करना चाहता है क्योंकि वो मेरी छुट्टी बिगाड़ना चाहता है। जब जब जेठालाल पर मुसीबत आई है तब वो मुसीबत मुझ पर भी आई है, लेकिन इस बार एक नहीं दो दो मुसीबत है। एक तरफ मेरी धर्मपत्नी है और दूसरी तरफ मेरा परम मित्र। अब मेरे को लेके दोनों तरफ से खींचातानी होने वाली। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अंजलि के लिए छुट्टी बहुत मायने रखती है और जेठालाल के लिए उसकी मीटिंग। लेकिन जेठालाल को यह समझना पड़ेगा कि इस बार उसका फायर ब्रिगेड उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये छुट्टी सिर्फ और सिर्फ अंजलि के लिए ली थी। जेठालाल को मेरी दुविधा समझनी पड़ेगी। अब इस बात को लेके आगे क्या घमासान होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।